हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बोट वेव एच को सेटअप करोगे। तो मैं आपको उसकी क्विक अनबॉक्सिंग बता देता हूं। तो ये वॉच में कई सारे फीचर्स है, गेम्स इसमें असिस्टेंट है, तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग बता देता हूं। तो आप सबसे पहले बॉक्स खोलोगे तो आपको यहाँ मिलेगा वॉच। तो आपको ऊपर ही यहाँ वॉच देखने मिलती है, तो मैं वॉच को निकाल लेता हूँ और वॉच को मैं साइड में रख लेता हूँ। उसके बाद अगर आप बॉक्स को ऐसे ओपन करोगे तो यहाँ आपको कुछ मैनुअल्स देखने मिलेंगे बोट के, और स्टिकर्स मिलेंगे बोट के, थैंक यू मिलेगा एक कार्ड बोट का, बोट वेव एच का आपको यहाँ पूरा फीचर्स का एक कार्ड मिल जाएगा, जिसमें पूरे फीचर्स देखने मिलेंगे आपको ऐप के कि ये किस किस से कनेक्ट होती है। और यहाँ आपको एक हैंड फ्री ब्लूटूथ कॉलिंग का गाइड मिल जाएगा। तो आपको ये सब मिलता है और आपको बोट वेव एच के साथ ये वाला चार्जर मिलता है, पिन वाला चार्जर, जो आप आपकी वॉच के पीछे लगा सकते हो। तो यहाँ आपको पिन का चार्जर देखने मिलेगा, यहाँ आपको बोट का सिंबल देखने मिलेगा और हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है आपको वॉच के पीछे। और आप वॉच की बेल्ट को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, अगर आप इसको खींचोगे तो बेल्ट रिमूव हो जाती है। और इसका चार्जर फास्ट है, वायरलेस चार्जर होते दिखने में अच्छे पर स्लो होते हैं, पर ये चार्जर बहुत फास्ट है। ये है बोट वेव एच, अब मैं इसका ये निकालूंगा स्टिकर और अब मैं आपको वॉच को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप जैसे ही वॉच को ऑन करोगे तो आपको बोट लिख के आएगा और आप देखोगे तो वॉच बिल्कुल एज है। और आपको यहाँ वॉच में साइड में स्पीकर भी देखने मिलते हैं, तो यहाँ आपको माइक्रोफोन देखने मिलेगा और ये साइड से अंदर आपको यहाँ स्पीकर्स देखने मिलेंगे वॉच में। तो यहाँ आपको सबसे पहले ऑफिशियल वॉलपेपर मिल जाता है जो आपको बॉक्स में देखने मिलता है बोट वेव एच का। उसके बाद आप यहाँ चेंज कर सकते हो, तो आपको यहाँ कई अमेजिंग वॉलपेपर्स मिल जाते हैं और इस वॉच में कम से कम आपको 5 से 6 वॉलपेपर मिलेंगे। तो आप देखोगे तो ये वॉलपेपर मैंने फ़ोन से डाला था और ये आप देखोगे तो ऐसे आपको 5 से 6 वॉलपेपर इसमें देखने मिलेंगे। आप यहाँ से स्वाइप करोगे तो आपको एक क्विक मेन्यू देखने मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको टाइम, डे, वेदर भी देखने मिलते हैं और आप कॉलिंग वॉलिंग भी कर सकते हो। और ऊपर से स्वाइप करोगे तो ब्राइटनेस, नाइट मोड, ये सब आप ऑन कर सकते हो। इवन कि इसमें टॉर्च भी है जो कि काफ़ी ब्राइट है और कैमरा भी है, मैं आपको इसका फीचर दिखा दूंगा। और आप डिस्प्ले की भी सेटिंग ऐसे चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, स्क्रीन टाइम आउट 30 सेकंड्स का है, वॉच फेस भी चेंज कर सकते हो। तो ये फीचर भी मेरे को काफ़ी अमेजिंग लगा। तो यहाँ से स्वाइप करोगे तो आपको आपकी एक्टिविटीज़ देखने मिलेगी और यहाँ आप फ़ोन आप पूरे कॉल चेक कर सकते हो। यहाँ से आप हार्ट रेट देख सकते हो। मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा सेंसर ऑफ हो जाएगा क्योंकि आपने वॉच वेयर नहीं की है। तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि बिना पहने वॉच का सेंसर ऑन ही नहीं होता है। और स्लीपिंग भी मिल जाता है आपको, आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो। मैंने इस वॉच पर काफ़ी वीडियोस बनाई है, प्लीज़ मेरा चैनल विजिट करना। और यहाँ से आप अपना स्ट्रेस लेवल चेक कर सकते हो और वेदर भी देख सकते हो इसमें, ये देखिए वेदर। और यहाँ आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाते हैं, पर ये फ़ोन की वॉइस असिस्टेंट होते हैं, इस वॉच में इनबिल्ट कोई वॉइस असिस्टेंट नहीं है। और आप देखोगे तो यहाँ आपको गेम्स भी देखने मिलेंगे और यहाँ आप इंस्टाग्राम, यहाँ मैसेजेस भी देख सकते हो और यहाँ से और कोई विजिट आप ऐड भी कर सकते हो अपनी वॉच में। तो अब मैं आपको ऐप्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको ऐप्स देखने मिलेंगे, एक्टिविटीज़, कॉलिंग, या आप जैसी वॉच को कनेक्ट करोगे कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको हार्ट रेट, स्पोर्ट्स के पूरे मोड देखने मिलते हैं इसमें, आप देखोगे तो कई सारे मोड्स हैं और आप इसमें मोड ऐड भी कर सकते हो। आप ऐड करोगे तो देखिए जो सबसे पॉपुलर मोड है वो यहाँ आ जाएगा, वाटर स्पोर्ट्स का मोड आप ऐड कर सकते हो, पॉपुलर मोड ऐड ही है, वेदर, मैसेजेस देख सकते हो वॉच में, वो असिस्टेंट, कैमरा। और यहाँ से आप रिलैक्स भी हो सकते हो, मतलब आप जब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे फीचर वो है। आप अलार्म सेट कर सकते हो, सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, स्टॉपवॉच ऑन कर सकते हो वॉच में, अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हो। और गेम्स में आपको बता देता हूँ, तो इसमें 3 टाइप की गेम्स है, एक ये है, दूसरा वाला नंबर का गेम है और तीसरा वाला बर्ड का गेम है जो कि मेरा फेवरेट है और ये टाइम पास के लिए काफ़ी अच्छे गेम्स है।
तो ये थे पूरे फीचर वॉच के। अब मैं आपको वॉच को इसके ऑफिशियल ऐप से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जो ऐप का नाम, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये ऐप प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में नेट ऑन रखना है और ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर देना है वॉच से कनेक्ट करने के लिए। फिर आपको जाना है प्ले स्टोर पे और यहाँ सर्च करना है बोट वेरेबल। तो बोट वेरेबल ऐप आप यहाँ देखोगे तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना है बोट वेव एच को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ मैंने डाउनलोड कर लिया था बोट वेरेबल। तो इसको लोकेशन की एक्सेस देनी है और ये जो जो चीज़ों की एक्सेस मांगेगा वो आपको दे देनी है इसमें, ताकि वॉच से ये अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाए। और नोटिफिकेशन को अलाउ करना है। तो अब आप देखोगे तो ये अभी वॉच से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी आपको अपना डिवाइस सिलेक्ट करना है। तो आपका डिवाइस है वेव एच, तो वेव एच आप सिलेक्ट करोगे, बैटरी ऑप्टिमाइज पे और इस पर क्लिक कर दोगे, सेटअप पे क्लिक करोगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एग्री कर लेना है, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो मैं एग्री कर लेता हूँ। ब्लूटूथ और लोकेशन मैंने पहले ही इनेबल कर ली थी, तो अभी वापस इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ एज लिख के आ चुका है, तो मैंने एज पे क्लिक कर दिया। अभी ये पेयर हो रही है फ़ोन से, तो ये काफ़ी इजीली और क्विकली पेयर हो जाती है और इसे सिर्फ सेकंड्स लगते हैं पेयर होने के लिए। तो अब आप देखोगे तो यहाँ आपको लिख के आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन पेयर हो चुकी है। आप ये अपना पूरा डाटा डाल सकते हो, मैं डाल नहीं रहा हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ आप अपनी एज डाल सकते हो, आपकी हाइट ये देखिए कि आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है और आपका गोल क्या है कि आपको दिन में कितने स्टेप्स कवर करने। तो ये सब आप इसमें फीड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऐप के होम पेज पे देखने मिलता है कि आपका स्टेप गोल क्या है, आपको कितने स्टेप्स लेने हैं, आपकी कैलोरी कितनी बनी हुई, हार्ट रेट कितना था। ये सब इसलिए नहीं क्योंकि मैंने वॉच को पहन के अभी तक स्टेप्स लिए नहीं है। फिर यहाँ आपका स्टेप्स, कैलोरीज, हार्ट रेट ये सब आ जाता है, होम पेज पे भी यही आता है। फिर आपकी एक्टिविटीज़ यहाँ शो होती है, जो जो आपने एक्टिविटीज़ की है, पर मैंने अभी तक वॉच को पहन के कोई एक्टिविटीज़ की नहीं है। तो सुनियो कि मेन फीचर आपको यहाँ डिवाइस पे देखने मिलेगा और मी पे आपको आपकी प्रोफाइल देखने मिलेगी वॉच की। तो मैं मेन इस पे आ जाता हूँ, तो यहाँ आपको डिवाइस देखने मिलेगा। तो आप वॉच को ऐसे फाइंड कर सकते हो, तो वॉच में से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वॉच फाइंड हो चुकी है। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वॉच फेसेस का, यहाँ से आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो। ब्लूटूथ कॉलिंग में आप जैसे ही ऐड करोगे तो आप यहाँ ऐड पर क्लिक करोगे तो आप कॉन्टैक्ट्स आप ऐड कर सकते हो वॉच के अंदर। तो इससे आपको नंबर नहीं दिखेगा, कॉन्टैक्ट दिख जाएगा। आप ऐप में नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हो, ये देखिए यहाँ सारी नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था अलार्म आप सेट कर सकते हो, जो कि आपको वॉच के अंदर भी देखने मिला था कि आप अलार्म सेट कर सकते हो। और फिर आप जो कैमरा का ऑप्शन है, तो मैंने आपको बताया था कि कैमरा का ऑप्शन है, तो अगर मैं वॉच पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे तो फोटो यहाँ क्लिक हो जाएगी। तो वॉच एक रिमोट के जैसे एक्ट करती है, जब आप फोटोज लेते हो तो आप कैमरे से फोटोज क्लिक कर सकते हो। अलर्ट में आप सेटिंग रिमाइंडर ऐड कर सकते हो। सेटिंग्स में आप जाके 24 आवर्स फॉर्मेट को बंद कर सकते हो, वॉकिंग जेस्चर को भी बंद कर सकते हो और डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन कर सकते हो। आप वॉच को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। अबाव में वॉच में जाओगे तो आपको उसका सीरियल नंबर ये सब दिख जाएगा और वॉच का अपडेट के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी अपडेटेड ही है। और आप वॉच को रीसेट कर सकते हो और यहाँ पूरी परमिशन चेक कर सकते हो। मैं मेन फीचर की बात करूँगा तो वो है वॉच फेसेस। तो वॉच फेसेस के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको नेट कनेक्ट रखना ज़रूरी है, नहीं तो वॉच फेसेस आप डाल नहीं पाओगे। और यहाँ आपको जाना है क्लाउड वॉच फेसेस पे। अब क्लाउड वॉच फेसेस लोड हो रहे हैं, पर इसके लिए नेट चालू रहना ज़रूरी है। नेट चालू नहीं रहेगा तो ये लोड नहीं हो पाएंगे। तो अभी यहाँ सारे वॉच फेसेस ऑनलाइन लोड हो चुके हैं। तो आप देखोगे तो इसमें एक से बढ़कर एक वॉच फेसेस है, जो कि सारे अलग अलग हैं। इसमें आपको कई वॉच फेसेस में बोट का लोगो भी देखने मिल रहा होगा। तो मैंने सारे वॉच फेसेस लोड कर लिए थे ताकि मैं आपको बता सकूं। तो आप देख सकते हो कि इसमें कैसे वॉच फेसेस है और इसमें लगभग कम से कम इसमें 500 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस होंगे। तो आप देखोगे तो कुछ कुछ वॉच फेसेस पे बोर्ड लिख के आ रहा है और कुछ कुछ वॉच फेसेस पे सिर्फ टाइम लिख के आ रहा है। ये देखिए इसमें बोट का लोगो है, इसमें भी बोट का लोगो है, इसमें भी बोट का लोगो है,
तो यहाँ आपको कई सारे अमेजिंग वॉच फेसेस मिल जाते हैं और आप इसमें से कोई भी सेट कर सकते हो अपनी वॉच में, जो भी आपको पसंद आए। तो मैं आपको एक वॉच फेस सेट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि मैंने सेट किया था, तो ये वॉच फेसेस बिल्कुल HD में आते हैं। तो मैंने ये वाले वॉच फेस पे क्लिक किया, अब मैं इसको सबमिट करूँगा। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा वॉच में। तो आप देखोगे तो ये अपलोड हो रहा है, तो इसे अपलोड होने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो आप देखोगे इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, और अगर कोई नॉर्मल स्मार्ट वॉच होती तो उसे अपलोड होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था, पर ये काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो ये अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल HD में आया है। तो ऐसे आप कोई भी वॉच फेस अपलोड कर सकते हो अपनी वॉच में, और यहाँ आपको वॉच फेस देखने मिलेंगे। क्रिएट कस्टम वॉच फेस में आप आपकी खुद की फ़ोटो लगा सकते हो, जो कि बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में आप खुद की फ़ोटो सेट कर सकते हो, यहाँ अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन है। टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको अपर चाहिए बिलो और कलर क्या चाहिए टाइम का, और यहाँ आप पूरा इन्फो डाल सकते हो कि आपको स्लीपिंग चाहिए उसमें कितने आवर्स की है या फिर डेट। तो मैं आपको एक फ़ोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट की है, अब मैं इसको ओके पे क्लिक करूँगा। तो आप देखोगे फ़ोटो कुछ ऐसे ही है। अब आप देखोगे तो अभी ये फ़ोटो को मैं टाइम नीचे ले लूँगा और इसका मैं कलर ग्रीन सेट कर लेता हूँ, और इन्फो में मेरे को कुछ डालना नहीं है तो मैं इसको डन पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देखोगे तो ये अभी अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो कस्टम वॉच फेस को अपलोड होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसकी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल वॉच फेस से। तो ये अपलोड हो चुका है, तो आप देखोगे तो ये थोड़ा ये HD में आया है। एक्चुअली फ़ोटो थोड़ी सी फट चुकी है, अगर मैं आपको ओरिजिनल फ़ोटो दिखा दूँ तो ओरिजिनल फ़ोटो कुछ ऐसी है, पर वॉच में थोड़ी सी फट चुकी है। हो सकता है कि फ़ोटो की मेमोरी जा रही है इसलिए ऐसा हुआ, पर फिर भी काफ़ी डिटेल है। तो गाइस ये थे पूरे फीचर बोट वेव एच के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।